अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे अपने खाने में क्या खाना चाहिए जिससे कि उसका बेबी हेल्दी और इंटेलिजेंट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करते हैं डाइट चार्ट इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम इंडियन थाली की बात करते हैं। इंडियन थाली में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, दही एंड सैलेड। सबसे पहले दाल की बात कर लेते हैं। दालें यानी पल्सेस। पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। जितनी भी बॉडी सेल्स बनती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के अंदर एक नया बेबी बन रहा है, उसकी बॉडी बन रही है, नई नई सेल्स डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगी? तो सबसे अच्छा सोर्स तो है दाल। प्रेगनेंसी में आपको डेली 2 कटोरी दाल लेनी है। दालें अगर आप सारी दालें मिला के लेते हैं तो आपको प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे कि आप एक मुट्ठी मूंग ले सकते हैं, एक मुट्ठी मसूर ले सकते हैं, एक मुट्ठी उड़द ले सकते हैं, एक मुट्ठी मलका। इन चारों दालों को आप मिक्स करके आप दाल बना सकते हैं और उस दाल को अगर आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। आपको छिलके वाली और साबुत दाल लेनी है, क्योंकि जो आउटर कवरिंग होती है, दालों की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें प्रोटीन होता है और फाइबर होता है। फाइबर का क्या काम है? फाइबर आपको जो प्रेगनेंसी में कब्जियत हो जाती है उसको भी रिलीव करता है। प्रोटीन के लिए आप एग, फिश और चिकन और मीट भी ले सकते हैं। नंबर 2 पे जो आ जाता है वो है दही। दूध और दही लेने से आपको प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन ए, बी और डी मिल जाता है। आपको डेली 3 ग्लास दूध पीना है जिससे कि आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। कैल्शियम बच्चे की हड्डियां मजबूत बनाता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल कैल्शियम रिक्वायरमेंट है दैट इज 1000 मिलीग्राम, तो उसके लिए आपको रफली 3 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। काफ़ी लेडीज को दूध पसंद नहीं आता है तो वो 3 ग्लास दूध को दही के रूप में जमा के ले सकती हैं, या तो प्लेन दही ले सकती हैं, या दही का रायता बना के ले सकती हैं, या दही की लस्सी या रूह अफ़ज़ा डाल के पी सकती हैं। इस तरह से अगर वो 3 ग्लास दूध लेती हैं तो उनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। थाली में जो नेक्स्ट आता है वो है रोटी एंड चावल। रोटी आपको गेहूं के आटे की लेनी है, चोखर पले आटे की लेनी है, मैदा की रोटी नहीं लेनी है। जैसे कि समोसा होता है, चिप्स होता है, बर्गर होता है, ये सब मैदा के बने होते हैं, तो मैदा के आइटम में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो आप मैदा अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह गेहूं के आटे की रोटी लेनी है। अगर आप इसमें जौ का आटा, सोयाबीन या चने का आटा मिला सकते हैं तो आपका ये मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। चावल जो लेने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आधी कटोरी चावल लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 कटोरी दाल डालनी है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन दालों से आपको सारा प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को रोज डेली 2 कटोरी सब्जी खानी है। 1 कटोरी वो लंच में ले सकती है और 1 कटोरी डिनर में ले सकती है। लंच में अगर वो हरी पत्तियां लेती हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, या तो इनकी सब्जी बना के ले सकती है या इनका सूप बना के भी ले सकती है। और शाम को इवनिंग में वो लौकी, तुरई, भिंडी, परमल, ब्रोकोली, ये सारी सब्जियाँ ले सकती है, जिससे कि उसके शरीर में आयरन की मात्रा पूरी हो सके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में डॉक्टर फोलिक एसिड एडवाइस करते हैं। ये फोलिक एसिड क्या करता है? ये फोलिक एसिड एक तो एनीमिया प्रिवेंट करता है, एनीमिया को रोकता है, बेबी का जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनता है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। बहुत सी कंजेनाइटल एनामलीज होती हैं बच्चे में, जो जन्म से डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा और मेनिंजियोसील। किसी किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ स्पाइन से या सिर से एक फोड़ा सा निकलता है, जिसको कि मेनिंजियोसील कहते हैं। तो फोलिक एसिड अगर मदर लेती है तो इस तरह के डिफेक्ट को रोका जा सकता है। प्रेगनेंसी में आपको डेली 3 से 4 फ्रूट्स लेने हैं, क्योंकि आपको पूरा फल खाना है, जूस नहीं लेना है। अगर आप पूरा फल खाते हैं, छिलके सहित फल खाते हैं, तो आपको उसके फाइबर भी मिलेंगे और सारे विटामिन्स भी मिलेंगे। प्रेगनेंसी में आपको 3 से 4 फल डेली लेने हैं। फल किस तरह से होना चाहिए? एक तो आपको नंबर 1 साबुत फल लेना है।
उसमें जिसमें कि फाइबर होता है, फलों का जूस नहीं लेना है। नंबर टू, फल जो लेंगे आप उसमें वो सीजनल होना चाहिए, मतलब कि गर्मी के मौसम में गर्मी के फल लेना है। जैसे कि गर्मी में आम आता है तो आप समर में आम खा सकते हैं, विंटर्स में अमरूद आता है तो आप विंटर्स में अमरूद ले सकते हैं। नंबर तीन, आपको लोकल फल लेने हैं, उस एरिया में जो मिलते हैं फल वही लेना है। बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव फलों की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सीजनल और लोकल फल खाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फल खाएं, बहुत ज़्यादा महंगे फल। नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर, आप प्रेगनेंसी में एक से दो नारियल पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 95% वाटर होता है और 5% इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसका जो वाटर होता है वो हाइड्रेशन मेंटेन कर देता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो ये मदर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर बेबी के चारों तरफ पानी की मात्रा कम होती है तो नारियल पानी पीने से ये पानी की कमी को वो कवर कर देता है। आप प्रेगनेंसी में 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, घी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा घी लेंगे तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और बाद में आपको इस वजन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो घी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम देसी घी लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है, ये एक केवल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घी तो जो हम ले रहे हैं वो स्टमक में जा रहा है, नीचे यूट्रस में तो जा नहीं रहा है। तो घी से हमारा, ज़्यादा घी लेने से केवल वजन ही बढ़ता है और उससे अलग से कोई फायदा नहीं होता है। फ्रूट्स, आपको एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा रोज लेनी है। चाहे तो आप 4 काजू ले सकते हैं, 4 बादाम ले सकते हैं, या 2 अखरोट ले सकते हैं, 2 किशमिश ले सकते हैं। इस तरह जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स या मेवा घर में पड़ी होती हैं उसमें आप 10 से 12 ड्राई फ्रूट्स डेली खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए होता है, सी होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होते हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो खाने से आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, तो आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करने हैं। अखरोट यानी वॉलनट, वॉलनट बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो अगर माँ 2 से 3 अखरोट डेली लेती है तो बेबी का ब्रेन साफ हो जाएगा, बेबी इंटेलिजेंट हो जाएगा और उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। डेट्स यानी खजूर, ये एक बहुत अच्छा फल है, इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को खजूर और मुनक्का अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।